महफिल को शुरू करने से पहले एक बार दो लाइनें आप लोगों के लिए हो जाएंगे आते हुए अभी सोते ये सो के उठने के बाद मेरे को दो तीन लाइनें जब आती हैं तो मैं अक्सर उन्हें लिख लेता हूं अपने पन्नों पे और ये शायद आपके दिल और दिमाग में अगर उतरे तो ये महफिल जो है आज बड़ी होनी चाहिए साथियों और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं पहुंचाना कहां तक चाहता हूं और क्या आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो कहते हैं कि साहब जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। ऐसा मत सोचिए कि जो मुस्कुरा रहा है वो इंसान खुश है। वो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में तो छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में तो छाला होगा। जो चला ही नहीं है उसके पैरों में छाले पड़ेंगे क्या कभी? जिसने एग्जाम की तैयारी नहीं की उसको डर होगा क्या कभी? डर किसको होगा जो तैयारी कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। तो इसीलिए कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता साथियों, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो चलेगा उसी के घर में तो उजाला होगा।